सुख, सुखी सब रहना चाहते हैं, सबको सुख चाहिए और सुख मिलता है अपने कर्मों से। जैसा कर्म वैसा ही फल मिलता है। राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता, हम लोगों की भाषा में अगर बोलें तो सीता मैया का विवाह बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अमीर घर में हुआ, जहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं थी। उन्हें बस आवाज़ लगानी और हर चीज़ हाजिर, ऐसे राजा दशरथ के घर में उनका विवाह हुआ। लेकिन हुआ क्या, आप लोगों को पता ही है, उनको वनवास मिला और वनवास के बाद भी उनका अपहरण हो गया और फिर उन्हें अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ी। फिर भी उनके दुख कम नहीं हुए, अंत में वे गर्भवती थी तब उन्हें परिवार छोड़ना पड़ा। अरे हम लोगों को तो सीता मैया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब जब भगवान ने अवतार लिया है तो जो लीला रची है ना, वो सिर्फ हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही रची है। अपने ग्रंथों से अगर हम लोग सीखेंगे तभी जीवन में खुश रह पाएंगे। देखिए कि भगवान कितने दुखी रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग को तो जन्म मिल गया है अपनी मनमानी करने का, अपने हिसाब से जिएंगे, क्या करना, भगवान तो होते ही नहीं है, ऐसा ही तो सोचते हैं सब। पृथ्वी पर राज करने वाले उनके पिता राजा जनक और ससुर राजा दशरथ, चाह कर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए, उन्हें खुश नहीं कर पाए और वो दुख में ही रहीं, दुखी रहीं। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने भाग्य के बिना सुख दे सकता है? तो इसलिए अपने बच्चों के लिए तन धन से प्रयास करते रहिए, जैसे हमारी चादर वैसे उन व्यवस्था करते रहिए, लेकिन मन से ये निकाल दीजिए कि हम किसी को सुख दे सकते हैं या दुख दे सकते हैं। ये तो सिर्फ उनके कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है और वो उन्हें कर्म के द्वारा ही मिलेगा। क्योंकि ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार था, सारी उम्र सुख ना पाया, इसी कारण माँ बाप व्यर्थ में चिंता में पड़े रहे, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। इसलिए कह रहे हैं अपने कर्मों को सही करिए और बच्चों को अच्छी बातें समझाइए, ताकि वो भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों से सुख प्राप्त कर सके। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें, जो नहीं भी सोच सकते हैं वो छोटे बच्चे आज की डेट में जानते हैं। और ये माँ बाप का पूरा हक है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, कुछ मत छिपाइए, नहीं तो उनके भाग्य में दुखी आएगा। जब कुछ पता ही नहीं होगा तो कर्म तो खराब होंगे। और राधा नाम हर सांस पे रटते रहिए, सबको खुशियां दीजिए, खुद भी खुश रहिए। ये जीवन बार बार कह रहे हैं, ये जीवन मिला ही सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, राधे राधे। मेरे कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, मेरे कन्हैया कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसी को धोखा मत दीजिएगा, किसी की भावनाओं से मत खेलिएगा।
बहुत दर्द पहुंचता है जब धोखा मिलता है, और इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अपने फायदे के लिए सामने वाले को उल्लू बनाना बंद करिए। आपको लग रहा है कि आप उसको उल्लू बना रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता मेरा कन्हैया आपको देख रहा है। एक दिन पूरी दुनिया आपको देखेगी जब आप उल्लू बनोगे, और वो दिन दूर नहीं है। तो अगर ये कला आपके पास है उल्लू बनाने वाली, तो इसको त्याग दीजिए और राधा नाम रटते रहिए, खुश रहिए, सबको खुशियाँ दीजिए। राधे राधे। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक ही फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, और गीता की गहराई में इंसान तैर जाता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जी पढ़िए, गीता जी पढ़िए, इससे आपको जीवन जीने की कला मिलेगी। आप नहीं जानते, अगर आपने श्रीमद् भागवत जी पढ़ ली ना, तो हम बता नहीं सकते कि आप क्या से क्या हो जाओगे। जो आप कभी सोच नहीं सकते, आप वो उसमें पढ़ के वैसे बन जाओगे एक अच्छे इंसान। और लाला से इतना प्यार करने लगोगे, इतना प्यार करने लगोगे कि आपको जो सबसे अच्छी चीजें लगती होंगी उनका त्याग करते जाओगे। मेरे कन्हैया से जिस दिन प्यार हो गया ना, तो दुनिया बुरी लगेगी ही नहीं। हर इंसान में, हर जानवर में, दीवार में, पेड़ में, हर जगह कन्हैया ही नजर आएगा। कभी आप चींटी को तक नहीं मारोगे, सच कह रहे हैं। इसलिए गीता का ज्ञान ग्रहण करिए, श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान ग्रहण करिए, और हर सांस पर राधा नाम जरूर रटते रहिए। खुश रहिए, सबको खुशियां दीजिए। देखिए, काम करते जाइए, चाहे खाना खाइए, नहाइए धोइए, खाना बनाइए, ऑफिस का काम करिए, लेकिन हर सांस पर अंदर राधा 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 रटते रहिए। भूल जाएंगे फिर आदत डालिए, क्योंकि ये आदत डालनी चाहिए। और ये आदत क्यों डालनी होती है आपको पता है? जब कभी भी हम मरें तो राधा नाम लेते हुए मरेंगे। तो मजाल है कि यमराज के दूत आए? अरे कन्हैया खुद आएगा, अपने कंधों पे लेके जाएगा मेरा कन्हैया, सच कह रहे हैं। पहले नाम तो रटिए, इंसान तो अच्छे बनिए, खुश रहिए, सबको खुशियां दीजिए, ठीक है? राधे राधे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो मेरे कृष्ण, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। ऐसे दो मित्र हमारी जिंदगी में हो ना, तो कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। तो जब ऐसे दोस्त मिल जाएं तो छोड़ना मत, और ऐसे दोस्त तो सिर्फ कन्हैया ही है। इसलिए कन्हैया के चरणों को कस के पकड़ लीजिए और अपना जीवन कन्हैया के नाम कर दीजिए। हर सांस पर राधा नाम रटते रहिए, सबको खुशियां दीजिए, खुद भी खुश रहिए। राधे राधे। जहां जिसका दाना पानी लिखा होता है, वो व्यक्ति वहीं जाता है, समय उसे वहीं बुला लेता है। कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी को नहीं खिलाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का ही खाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने पद प्रतिष्ठा और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उसकी बहुत सहायता करी, बहुत मदद करी,
वो बहुत दुखी था तो मैंने उसको रुपए दे दिए, वो बहुत भूखा था तो मैंने खाना खिला दिया। नहीं, आपने उसका कर्जा पिछले जन्म में ले रखा था तो वो इस जन्म में पूरा हो रहा है। हमेशा यही सोचना चाहिए। जो घमंड करता है ना, वो तो कहीं का रहता ही नहीं है। इसलिए अहंकार और घमंड का त्याग करिए। अगर भगवान ने आपको संपन्न बनाया है तो लोगों की मदद के लिए बनाया है, ना कि अपने ही पूर्ति करने के लिए बनाया है। ठीक है, धनी अगर आप बने हो तो याद रखना मेरे लाला की कृपा है और उनका संकेत है कि दूसरों की मदद करिए, उस धन का प्रयोग अच्छे अच्छे कामों में लगाइए, ना कि तिजोरी में भर के बैठ के अपने ऐशो आराम करिए। हर सांस पर राधा नाम रटते रहिए। हर काम करते, खाते पीते, उठते बैठते, ऑफिस जाते, राधा 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 रटते रहिए, क्योंकि राधा नाम जो रटता है कन्हैया उसके पीछे पीछे चलता है। खुश रहिए, सबको खुशियाँ दीजिए। राधे राधे।